क्या बिजनेस बदल रहा है या सोशल मीडिया का दूसरा नाम बिजनेस है? आजकल सोशल मीडिया पर सभी अपनी पहचान बनाने में कहीं ना कहीं खो जाते हैं, लेकिन क्या ये इंटरनेट एक बिजनेसमैन को भी अपनी तरफ खींच सकता है? हाँ, हम बात कर रहे हैं अश्नीर ग्रोवर की, जो आजकल बिजनेस से ज्यादा कभी पॉडकास्ट, रील्स और कभी सेमिनार्स में दिखते हैं। वे अपना ज्यादातर फोकस अपने बिजनेस को छोड़कर सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। पर क्यों? क्या अब वो बिजनेस नहीं करना चाहते या सोशल मीडिया का जादू उन्हें चढ़ गया है, या बस वो एक दूसरे तरीके से सक्सेस हासिल करना चाहते हैं? लेकिन इससे पहले इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अश्नीर ग्रोवर IIT पास आउट है और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जिन्होंने भारत पे और ग्रोवर जैसी बड़ी कंपनियां खड़ी की और शार्क टैंक जैसे पॉपुलर शो से पॉपुलैरिटी गेन की। लेकिन बाद में इनकी कंपनी के अंदर कुछ इंटरनल मैटर्स की वजह से कॉन्ट्रोवर्सीज में आए, लेकिन उसके बाद ये कभी पॉडकास्ट में दिखने लगे और कभी रील्स पर दिखने लगे। बिजनेस का एक ही रूल है यार, जितने पे माल बेच रहे हो और जितने पे खरीद रहे हो उसमें बीच में आपको मार्जिन कमाना है, और कोई रूल ही नहीं है। धंधा करने के लिए 5th क्लास की मैथ्स। लेकिन बाद में स्टूडेंट्स को धंधा कैसे चलता है इसके बारे में समझाने लगे। क्या ये इनकी कोई नेक्स्ट स्ट्रेटजी है फॉर नेक्स्ट यूनिकॉर्न? आइए जानते हैं। अश्नीर ग्रोवर ने बड़ी जल्दी भांप लिया कि सोशल मीडिया बिजनेस को ग्रो करने में काफी मदद कर सकता है। इन्होंने करंट बिजनेस मार्केटिंग के अंदर लूप होल ढूंढा। अश्नीर ग्रोवर ने बिजनेस अचीवमेंट्स के साथ साथ काफी फॉलोअर्स भी गेन किए हैं। अश्नीर का इंडियन मार्केट में एक्सपीरियंस और सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस उनको वाइडर ऑडियंस दिलाने में काफी मदद करेगी, क्योंकि आज बिजनेस में मार्केटिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से अश्नीर ने सोशल मीडिया को चूज किया है, तो एक एक करके उन्हें देखते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग। अश्नीर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो अपनी खुद की एक पहचान, एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें आसानी से इन्वेस्टर्स और नए टैलेंट को फाइंड करने में बहुत आसानी होगी। एडवोकेसी एंड थॉट लीडरशिप। अश्नीर इंडियन मार्केट में अपनी इनोवेशंस के लिए जाने जाते हैं, तो सोशल मीडिया के जरिए वो अपने बिजनेस रिलेटेड ट्वीट्स करके अपनी बात और अपने थॉट्स को एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए अश्नीर कई बड़े बिजनेस लीडर्स, कई पॉलिटिकल लीडर्स एंड कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, जो अश्नीर को फ्यूचर्स में कोलैबोरेशन करने के लिए और एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने में काफी मदद करेगा, जो इनके बिजनेस के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं अश्नीर बाकी बिजनेसमैन से कैसे अलग सोच रखते हैं। जहां सोशल मीडिया पर रोज नई एक सेलिब्रिटी की ब्रीड पैदा होती है, जिनके इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं और इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स को अश्नीर टारगेट कर रहे हैं, वही पुराने बिजनेसमैन आज भी वही बॉलीवुड एक्टर्स, टीवी सेलिब्रिटीज, बिलबोर्ड्स पर काफी ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, जिससे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट तो ज्यादा आती है लेकिन डिमांड बहुत कम आती है। इसी के साथ अश्नीर ने अपनी नई क्रिक पे नामक ऐप लॉन्च की है। इंतजार किस बात का? खेलो असली क्रिकेट ओनली ऑन क्रिक पे। जिसे वो एक यूनिकॉर्न बनाना चाहते हैं और सोशल मीडिया क्रिएटर्स के द्वारा वे इसे प्रमोट भी कर रहे हैं। अब पूरी वीडियो में जो जो एक पॉइंट्स बताए गए हैं वो इसके साथ जोड़कर देखिए, तब आपको पता लगेगा कि अश्नीर एक कितने चालाक और इनोवेटिव बिजनेसमैन है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव या अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है।